नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आध्यात्मिक ज्ञान सिवान चैनल में। आज हम फिर हाजिर हैं ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तो चलिए चलते हैं। आज हम ज्ञानार्थ कहानी लेकर आए हैं बाली और सुग्रीव के माता पिता के बारे में। आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि बाली और सुग्रीव के माता पिता कौन थे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बाली और सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ था और उनके माता पिता कौन थे, किस तरह उनका लालन पोषण हुआ। देवता युग को भगवान राम का काल कहा जाता है। जब श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ, उस दौरान उन्होंने कई कष्ट भोगे, साथ ही कई पराये लोगों से अपनापन और प्रेम भी प्राप्त किया। सबरी, हनुमान जी, सुग्रीव, जटायु, नल, नील, विभीषण जैसे नामों की बहुत लंबी श्रृंखला है। सुग्रीव बहुत शक्तिशाली वानर था, लेकिन सुग्रीव का भाई बाली उनसे भी अधिक शक्तिशाली था। बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। इसी कारण वह बहुत ही घमंडी और अनाचारी हो गया था। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव और बाली दोनों को सगा भाई बताया गया है। दोनों चेहरे और कदकाठी से भी एक समान ही दिखाई देते थे। दूर से इन्हें देखकर पहचानने में मुश्किल होती थी कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। ये दोनों एक ही माँ की संतान थे और इनमें बहुत ही अधिक समानता थी। फिर भी इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ। बाली और सुग्रीव के जन्म की कथा एक ऋक्षराज नामक वानर से जुड़ी हुई है। इस वानर का नाम ऋक्षराज था। यह राक्षस ऋषिमुख पर्वत पर रहता था। इस पर्वत पर या इसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग इस वानर के कृत्यों से परेशान थे। ऋक्षराज मनुष्यों और जानवर किसी को भी छोड़ता नहीं था। ऋषिमुख पर्वत के पास ही एक तालाब स्थित था। इस तालाब की विशेषता के बारे में ऋक्षराज को जानकारी नहीं थी और एक दिन वह इस तालाब में नहाने चला गया। जब ऋक्षराज राक्षस नहाकर तालाब से बाहर निकला तो खुद को देखकर हैरत में पड़ गया। तालाब की महानता के कारण उसका शरीर एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया था। ऋक्षराज हैरान और परेशान होकर पर्वत पर बैठा हुआ था। उस समय देवराज इंद्र आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। उनकी नजर जब सुंदर अप्सरा में बदल चुके ऋक्षराज पर पड़ी तो उनका तेज उस ऋक्षराज के बालों पर गिरा और उस तेज की दिव्यता के कारण एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम बाली पड़ा। ऋक्षराज विचारों में उलझा हुआ पूरी रात उसी पर्वत पर बैठा रहा। सूर्योदय के समय जब सूर्यदेव आकाश मंडल में उदित हुए तो उनकी दृष्टि अप्सरा के समान सुंदर ऋक्षराज पर गई। सूर्यदेव ऋक्षराज पर मोहित हो गए और उनका तेज ऋक्षराज की ग्रीवा पर गिरा, जिससे एक और बालक का जन्म हुआ जिसका नाम सुग्रीव हुआ। ऋक्षराज के पास अब कोई चारा नहीं था। वह अपने पुराने रूप में वापस नहीं आ सकता था, इसलिए उसने बाली और सुग्रीव के पालन और पोषण करने पर ध्यान दिया और ऋषिमुख पर्वत पर ही अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस पौराणिक कथा के आधार पर ही कहा जाता है कि एक ही माँ की संतान होने के बावजूद बाली और सुग्रीव का जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। आगे फिर मिलेंगे एक और ज्ञानार्थ जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सीताराम।